When contact end of the follower is a roller, it is called roller follower. Here, due to the rolling motion between the contacting surface, the rate of wear greatly reduces. ठीक है, so basically आपका जब point contact हो रहा था, wear ज़्यादा होती है, तो इस केस में उन्होंने क्या किया कि इसकी replacement कर दी एक roller के साथ. So जैसे ही आपका roller लग गया, तो अब आपका line contact हो चुका है. दोनों ही higher pair की example है, इस चीज़ को नहीं भूलना, दोनों ही higher pair की example है. But यहाँ पर अब ये है क्योंकि इसका area बढ़ गया contact का, तो यहाँ पे wear कम होगी. Alright? So, अब इसके बाद भी एक एग्जांपल है, वो देखते हैं. This type of follower is extensively used in oil and gas engines and aircraft engines. When contact end of the follower is a perfectly flat face, it is called flat-faced follower. This type of follower is generally used in automobile engines. So, इसका एडवांटेज ये है कि रोलर फॉलोअर यूज करके फ्लैट फेस्ड, इसका एक डायग्राम मैं पीपीटी में ये दोबारा भी कवर करने वाले हैं, पर वहां पे क्विकली करेंगे. फ्लैट फेस्ड फॉलोअर जो है बेसिकली रोलर फेस फॉलोअर, और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, चक्कर ये होता है कि फ्लैट फेस फॉलोअर के अंदर ना एक और एडिशनल एडवांटेज मिलती है. वो होता है कि आपकी यहाँ पे ना जब थ्रस्ट एक जनरेट होती है, वो हम न्यूमेरिकल्स में देखते हैं बेसिकली, कि आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, थोड़ा ये ग्रे पोर्शन है, इसकी वॉल्स के ऊपर आप ऐसे कह सकते हो कि एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करता है रोलर फॉलोअर के केस में, और फ्लैट फॉलोअर के केस में ये बड़ी निग्लिजिबल होती है ये फोर्स. तो इसके कारण आपकी जो आगे के मशीन कंपोनेंट है उनके ऊपर कम फोर्स ट्रांसफर होगी फ्लैट फेस फॉलोअर के केस में, इसलिए ये बेटर डिजाइन है और इसीलिए ये इंजन में ज्यादा यूज किया जाता है. ऑलराइट, तो यहाँ पे भी आपका लाइन कॉन्टैक्ट है, पर अब इसके अंदर भी एक डिसएडवांटेज है. उसका जो सोल्यूशन है वो आता है स्फेरिकल जो फॉलोअर्स है उसके अंदर. इज जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन्स. When contact end of the follower is spherical in shape, it is called spherical faced follower. This type of follower is used in automobile engines. ये भी इंजन्स के अंदर यूज होता है. ये फ्लैट फेस वाली जो आपका फॉलोअर है उससे बेटर कैसे है, इसके अंदर भी थ्रस्ट वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का उसको काफी निग्लिजिबली, मतलब ये रिड्यूस कर देता है. और एडिशनल एडवांटेज क्या है, अगर आपने पिछला फ्लैट फेस फॉलोअर देखा होगा उसमें लाइन कॉन्टैक्ट ज्यादा हो रहा है, तो उसमें वियर एंड टीयर फिर से ज्यादा हो जाती है रिलेटिव टू बेसिकली आपका जो रोलर कॉन्टैक्ट था. सो इसलिए ये इन्होंने बनाया एक तरह से फ्लैट फेस फॉलोअर है, पर उसको स्फेरिकल शेप दे दी ताकि वियर एंड टीयर कम हो जाए. सो ये काफी अच्छा डिजाइन हो जाता है इंजन के अंदर वॉल्स के लिए यूज करने के लिए. रीजन, आपकी थ्रस्ट फोर्स कम हो गई, दूसरा आपकी वियर एंड टीयर कम हो गई. ऑलराइट, सो चार आपने फॉलोअर देखे, एक था नाइफ एज फॉलोअर जिसमें पॉइंट कॉन्टैक्ट वियर एंड टीयर ज्यादा होगा, दूसरा आपने देखा रोलर फॉलोअर, ये नाइफ से बेटर कैसे है क्योंकि आपने रोलर लगा दिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा दिया, तो बेसिकली आपकी वियर एंड टीयर कम हो गई. फिर इसके बाद आता है फ्लैट फेस फॉलोअर, क्यों चाहिए हमें, क्योंकि आपका रोलर फेस फॉलोअर में क्या होता है, थ्रस्ट फोर्सेस ज्यादा होती है, फ्लैट फेस में कम होती है. फिर आपका आ जाता है स्फेरिकल फॉलोअर, ये फ्लैट फेस से बेटर कैसे है, क्योंकि इसके अंदर थ्रस्ट फोर्सेस भी कम होती है और फ्लैट में आपकी वियर एंड टीयर ज्यादा है, स्फेरिकल करने से वियर एंड टीयर कम हो जाती है. ऑलराइट, आई होप ये मतलब चारों का वो क्लियर हो गया होगा एडवांटेज डिसएडवांटेज. सर बट रोलर फॉलोअर में तो लाइक कुछ फ्रिक्शन वो फेस नहीं करेगा, तो वो बेस्ट क्यों नहीं है? आई एम नॉट गेटिंग द थ्रस्ट पार्ट. ये मैं पीपीटी में वापस आता हूँ, वहां पे एक डायग्राम से बेटर कर देता हूँ, जो मैंने एक स्लाइड दिखाई थी ना उसमें शो करता हूँ ये वीडियो पूरी करने के बाद. ठीक है, आई होल्ड ऑन टू योर डाउट, आई एम नोटेड, मैं वापस आता हूं इस पे. सो देखो रोलर और इसमें तो क्लियर कट डिफरेंस है, रोलर रोल कर रहा है, ये रोल नहीं कर रहा, तो वो चीज मतलब क्लियर हो जाती है. ये फ्लैट का जो फ्लैट फेस फॉलोअर है उसका सबसेट है, रोलर अलग चीज हो जाती है, तो उसमें वियर एंड टीयर वाला कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रिड्यूस्ड है, बट उसमें थ्रस्ट का कॉम्पोनेंट दिखाता है, तो उसको अवॉइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि अगर आपने देखा हो आपका जो इंजन है वो तो बेसिकली आई वुड से कितना मतलब एक सेकेंड के अंदर काफी बार फायर हो जाता है, तो ये कैम एक सेकंड के अंदर जितनी आपकी कैम की स्पीड है बेसिकली आपके इंजन की जो वो होता है आरपीएम, उतनी स्पीड के उसी स्पीड पे कैम भी रोटेट कर रही होगी. आपने वो देखा होगा ना 2000 आरपीएम 3000 आरपीएम, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बार कॉन्टैक्ट में ही आने वाला है. ऑलराइट, बट इशिता आपके डाउट पे मैं आता हूँ ये वीडियो खत्म करके. ठीक है, मोशन ऑफ द फॉलोअर. ऑन दिस बेसिस फॉलोअर्स कैन बी क्लासिफाइड एज reciprocating follower and oscillating follower.
When the follower reciprocates in a guide due to the uniform rotary motion of the cam, it is called reciprocating or translating follower. When the follower oscillates in a predetermined direction due to the uniform rotary motion of the cam, it is called oscillating or rotating follower. I hope ये clarity आपको दिख रही होगी कि reciprocating का meaning क्या है और oscillating का meaning क्या है. ये एक pivot के about oscillate कर रहा है और ये एक guide के अंदर ऊपर नीचे reciprocate कर रहा है. ठीक है. Path of motion of the follower. On this basis, followers can be classified as radial follower and offset follower. When the path of the motion of the follower is along the axis passing through the center of the cam, it is called radial follower. So basically, agar aapka ye jo perpendicular line hai aur aapka jo follower hai ye aligned hai, basically ye center point hai, center se ek line ja rahi hai, ye line aur aapke follower ka jo middle point hai, ye line basically dono agar parallel hai ya matlab aligned hai to ye radial follower. अगर आपका फॉलोअर थोड़ा सा मैं आगे इधर या लेफ्ट या राइट खिसका दूंगा थोड़ा सा तो फिर ये बन जाएगा ऑफसेट फॉलोअर. When the path of the motion of the follower is along an axis away from the axis of the cam center, it is called offset follower. All right, so I'll go back to the PPT और एक डाउट पहले क्लियर कर दूं फिर मैं बताता हूं. All right. यहाँ पे ना देखो जिसका डाउट था कि थ्रस्ट वाला कंपोनेंट ऐसा होता है कि ये आपका नाइफ एज फॉलोअर जो है ना उस पे जाना पड़ेगा. हाँ इससे समझ सकते हो बेसिकली ये एक नाइफ एज फॉलोअर होता है. तो क्या होता है बेसिकली आपका यहाँ ये रोलर एज फॉलोअर होता है. सो इसके अंदर ये पार्ट जब घूम के वहां से यहाँ पे आता है ना तो इसकी टेंडेंसी अगर आप सोचने की कोशिश कर सको, आई एम नॉट श्योर कि अभी विजुलाइज कर पाओगे कि नहीं, जब ये कैम घूम के इधर आएगा तो ये पॉइंट को जब पहली बार टच करेगा ना इसको ऊपर जाना, इसकी राइज जब स्टार्ट होगी, ये ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये फॉलोअर को इस गाइड के साथ घसीटने की कोशिश करेगा. ऑल राइट, थोड़ा सा यहाँ पे इसको घसीट रहा होगा और फिर ऊपर जा रहा होगा, इस चीज को मैं थ्रस्ट कह रहा हूँ. ऑलराइट, बहुत लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ. रोलर के साथ भी यही केस होता है कि जब ये कैम घूम के इधर आएगा, ये रोलर को जब यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये चीज गाइड्स के साथ थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हो मतलब उसको टच करते हुए जा रही, टच तो करेगा मतलब फोर्स इधर को लगा रहा होगा. पर फ्लैट फेस्ड फॉलोअर के अंदर ये चीज नहीं होती, ये मोशन काफी यूनिफॉर्म हो जाता है. ऑलराइट, तो ये चीज को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे थ्रस्ट कम हो जाती है और स्फेरिकल फेस फॉलोअर में भी ये थ्रस्ट थोड़ी कम हो जाती है. ये एडवांटेज है इनका इनके रिलेटिव. इस केस में सबसे ज्यादा वियर होगी, इस केस में वियर कम हो जाएगी, पर इन दोनों केसेस में थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होती है, इसमें आके थ्रस्ट रिड्यूस हो जाती है पर वियर थोड़ी बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे ये इसका एरिया ज्यादा है, यहाँ पर आके आपका एरिया कम हो जाता है और थ्रस्ट भी कम हो जाती है. बट जरूरी नहीं है कि आप इसी को ही हमेशा यूज करोगे, ये डिपेंड करता है कैम की एप्लीकेशन जो होती है हमेशा आपका क्या प्रॉब्लम एट हैंड है, हमेशा उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है. ये बात ध्यान रखना, हर पैरामीटर को वे किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग, इसीलिए इतनी सारी कैम्स अवेलेबल है. मैं और भी स्लाइड्स में दिखाऊंगा, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्स अवेलेबल होती है. ऑलराइट सर, ऐसा नहीं हुआ कि जैसे हमारे कैम, जैसे अभी तो अपने स्लाइड में इस तरीके की दिखाई है, हमारी अगर अलग शेप की कैम होगी तो फिर ये ऑर्डर बदल सकता है? और वही मैं कह रहा हूँ कि वो बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे. अभी आपको मैं कैम्स की और प्रोफाइल भी दिखाऊंगा. अभी आप जो देख रहे हो इसे मैं बोलूंगा टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क कैम. ऑलराइट, इसे डिस्क कैम बोला जाता है पर कैम की प्रोफाइल्स बहुत अलग होती हैं. हम ये है कि सिलेबस के अंदर डिस्क कैम के ऊपर ही फोकस करेंगे जब अपनी डेरिवेशंस या डिजाइन करेंगे. हम इतनी वास्ट वैरायटी ऑफ कैम्स नहीं डील करने वाले, बट आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए ये लेक्चर्स हैं. तो आई विल क्विकली कवर द पार्ट्स जो आपने वीडियो में देखे हैं. सो सर्फेस कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग आपका ये नाइफ एज फॉलोअर, ये मैंने आपको दिखा दिया. सो ये आपको नाइफ एज फॉलोअर आपको दिखा दिया मैंने, बेसिकली लार्ज वियर का चक्कर होता है. कैम विद अ रोलर फॉलोअर ये भी आपको मैंने दिखा दिया, इसकी रीजनिंग भी आपको एक्सप्लेन कर दी कहाँ पे यूज होता है, क्विज टाइप क्वेश्चंस, ऑयल गैस एंड एयरक्राफ्ट इंजन्स. ऐसे ही आपके कैम विद अ फ्लैट फेस फॉलोअर ये हम प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं. वीडियो दिखाने का पर्पज ये था, एनिमेशन से पहले वहां पे पता लग जाता है
ये पीपीटी आपके साथ शेयर होगी तो आपको फिर याद रहेगा कि हमने क्या डिस्कस किया है. ऑलराइट, सो आपका फिर ये मशरूम फॉलोअर वाली बात मैंने बता दी थी. स्फेरिकल फॉलोअर सेम चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर, आपकी अब आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर्स. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटरी होते हैं. चारों मोशन देखो, अप एंड डाउन, दैट्स अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन और अ ट्रांसलेटरी मोशन. ऑलराइट, नेक्स्ट है आपके बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन. तो ये आपका वीडियो का ही पार्ट है, आप देख सकते हो एक पिवट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है. सो दिस इज व्हाट यू कॉल अ ऑसिलेटिंग और अ रोटेटिंग फॉलोअर. सो नेक्स्ट यू हैव इज अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द मोशन, रेडियल फॉलोअर्स. दैट्स समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वीडियो. ये एक्सेस अलाइंड है आपकी सेंट्रल एक्सेस के साथ. आपकी ये कैम एक्सेस है और ये फॉलोअर की एक्सेस है, ये सेम है. सो बेसिकली रेडियल फॉलोअर. जब आप आगे जाते हो ऑफसेट फॉलोअर. अब आप देख सकते हो ये कैम की एक्सेस है और ये फॉलोअर की एक्सेस है, ये बेसिकली अलाइंड नहीं है, इसीलिए इसे ऑफसेट फॉलोअर बोला जाएगा. चारों वही है बेसिकली, नाइफ एज, रोलर, फ्लैट एंड स्फेरिकल. अब आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कैम्स. ऑलराइट, सो रेडियल और डिस्क कैम्स, जैसे मैंने आपको बताया इसे बोला जाता है. सो ये रेडियल और डिस्क कैम की एग्जांपल हो जाती है. और दूसरी हो जाती है वेज कैम. वेज कैम हम यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ एनिमेशन से, अगर किसी को डाउट है तो क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, सो ये पॉइंटेड एज है, जरूरी नहीं हो ना हो, पर ये वेज शेप जो मोशन कर रहा है, ये वेज शेप चीज जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, ये ट्रांसलेशन है और इसके कारण आपका फॉलोअर ट्रांसलेटरी मोशन ही कर रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कैम, रेडियल कैम एंड वेज कैम. फिर जैसे किसी ने पूछा था कि अगर कैम का शेप चेंज हो जाए, तो अभी आप देख सकते हो कि कैम की कितनी शेप्स पॉसिबल है. राउंड, एक्सेंट्रिक, ओवल, इलिप्टिकल, हार्ट शेप भी होती है, हेक्सागन भी होती है, स्टार भी है, स्नेल भी है. ये जेनरिक डिजाइन है और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो. ऑलराइट, सो ये कितनी वैरायटी ऑफ कैम्स पॉसिबल है, जस्ट टू गिव यू लाइक, जस्ट टू ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव कि ये चीजें हो सकती है. एंड आफ्टर दैट अगेन ये चीज भी आप देख सकते हो, मैंने पहले डिस्कस की थी, आपकी सिलेंड्रिकल कैम्स भी है फर्स्ट फिगर के अंदर. यहाँ पे आपकी कैम की शेप अब डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये यूजर डिफाइंड है, प्रॉब्लम एट हैंड उसके अकॉर्डिंग. सेम हेयर, आपकी प्रॉब्लम एट हैंड के अकॉर्डिंग, मतलब आपको किस तरह का मोशन चाहिए. अब अगर किसी को है कि ये मोशन काम कैसे आते हैं, टॉयज के अंदर बहुत यूज होते हैं, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखी हैं. जैसे ये आपका बॉक्स पैकेजिंग मैकेनिज्म ही है, अगर आप ध्यान से देखो ऊपर लिफ्ट होता है और आगे जाता है. ऑलराइट, एक तरह का बॉक्स पैकेजिंग मैकेनिज्म. यहाँ पे ये एक तरह का टॉय है, मतलब अगर आप देखो एक टॉय हाथ ऊपर नीचे कर रहा है. सो यहाँ पे रोलर फ्लाईओवर है, ये कैम है बेसिकली, ये भी अलग तरह का मोशन कर रही है और ये आपके फॉलोअर्स हैं दोनों बेसिकली, और वो भी रोलर फॉलोअर्स या व्हील फॉलोअर्स. ऑलराइट, ये टॉय है. यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका बेसिकली पेपर कटिंग मशीन है, ये रैक का अरेंजमेंट है, इसका लीवर. अब आप जब ऊपर नीचे करते हो तो ये गियर अरेंजमेंट के साथ मूवमेंट करता है और यहाँ पे आपकी कैम्स लगी हुई हैं, रोलर कैम्स. तो ये पेपर को बेसिकली जब ये ऊपर जाता है, पेपर नीचे प्लेस करते हो आप, और फिर जब पेपर अंदर आके प्लेस कर देते हो, कैम्स जब नीचे आती है, ये उसके अंदर पंचिंग कर रहा है, होल्स पंच कर रहा है पेपर गार्ड के अंदर. ऑलराइट, तो ये भी कैम फॉलोअर का एग्जाम्पल है. जी, जो फर्स्ट मैकेनिज्म जो डिस्प्लेड है, जो बॉक्स पैकेजिंग वाला है, सर इसमें एक ही कैम को यूज करके डुअल फॉलोअर्स इंप्लीमेंट हो रखे हैं क्या, मतलब डुअल कैम मैकेनिज्म? आपकी कैम ये वाली मैं बोलूंगा बेसिकली, ये मोशन है कैम का जो रोटेशन कर रहा है. अब दूसरी कैम किसे बोल रहे हो सर, जो ये ऊपर ग्रीन वाली? हाँ, कह सकते हो ये भी एक इसके साथ अटैच ही है, इवन आई डोंट नो सर. करेक्ट, आई वुड से हाँ, ये इसी के मोशन के साथ ऊपर जा रही है उतना ही. यस सर, ओके, आई विल एंड द लेक्चर. So, okay, we'll meet tomorrow, okay?